जी हाँ, अपनी आज के इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से बात कर रहे हैं संगीता बिजलानी की, जो कि हाल ही में रेस 3 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर नजर आई हैं, जो कि सलमान खान से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंची। आपको बता दें कि बॉलीवुड के दबंग सलमान ने अभी तक भी शादी नहीं की है और उनके फैंस ये जानना अक्सर ही चाहते हैं कि वो शादी कब करेंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उनकी शादी के तो कार्ड तक छप गए थे? जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं संगीता और सलमान की ही, तो हमें आपको अब आगे बताते हैं कि उनकी शादी आखिर क्यों नहीं हो सकी। जी हाँ, आज हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में जानकर शायद आप हैरान तो होंगे और शायद आप ये बातें जानते भी ना हों। संगीता बिजलानी सलमान खान की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं और ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों की शादी भी होने वाली थी। जी हाँ, सलमान खान की बायोग्राफी यानी कि बीइंग सलमान के मुताबिक 27 मई साल 1994 का दिन सलमान की ज़िंदगी बदलने वाला दिन साबित हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ, कहा जाता है कि इस दिन सलमान संगीता बिजलानी से शादी करने वाले थे, लेकिन आपको बता दें कि सलमान खुद से लगभग 6 महीने बड़ी संगीता से प्यार करते थे और साथ ही साथ दोनों शादी भी करने वाले थे और तो और शादी के कार्ड भी छप चुके थे। जी हाँ, खबरों के अनुसार शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन संगीता ने फिर शादी से इनकार कर दिया। खबरों की मानी जाए तो संगीता और सलमान के बीच बहुत सारी लड़ाई होने लगी थी। सलमान सोमी अली को डेट करने लगे थे। जी हाँ, खबरें रहीं कि सोमी भी सलमान को पसंद करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी। इन सब बातों से परेशान फिर संगीता ने सलमान से शादी ना ही करने का फैसला किया। जी हाँ, बाद में एक इंटरव्यू में संगीता ने कहा था कि सलमान शादी करने के लायक ही नहीं है। और तो और, करण जौहर के चैट शो यानी कि कॉफ़ी विद करण में सलमान ने बात स्वीकार की थी कि उनकी मंगेतर ने ही उन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद उनकी शादी नहीं हो पाई थी। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।